नमस्कार, न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और लाहौर में आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण की शुरुआत हो चुकी है और कल सावन की पहली सोमवारी है। सोमवारी को लेकर झारखंड के हर शिवालयों में भक्तों की भीड़ इकट्ठा होगी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। आज जानते हैं कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु एक साथ जुटेंगे और कोरोना के क्या नियम है उसका भी क्या उसका इंतजाम करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आएगी। हर शिवालय में कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा करने के इंतजाम किए गए हैं। भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वो मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भोले बाबा की पूजा एवं आराधना करें। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इसके मद्देनजर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भी कमर कस ली है। वहीं कल हजारों की संख्या में झारखंड के शिवालयों में भोलेनाथ के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आएंगे। वहीं कोविड गाइडलाइन को लेकर पुजारियों का कहना है कि कल सावन की पहली सोमवारी है, जिसे लेकर मंदिर की विधि व्यवस्था पर खास ख्याल रखा गया है, जिससे मंदिर में आने वाले लोग कोरोना से सुरक्षित रहें। उसी तरह से नवरात्रा में हमारे व्यवस्था की कोलम बना हुआ है, जो रहते हैं हमारे मंदिर में सब बना हुआ है। हर साल की भांति हर भीड़ के अनुकूल ही हम लोग अंदर को छोड़ते हैं। 10-10 को लोग आदमी इकट्ठा होकर जाते हैं, पूजा करने बाद में बाहर निकलने बाद में फिर हम लोग को अंदर प्रवेश करके पूजा करा के फिर बाहर निकलने बाद में काम करते हैं। हमारे सोसाइटी के जितने भी हैं सब लोग आते हैं और इकट्ठा अपना काम करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती है। बाहरी नहीं आते, हमारे सब सोसाइटी के ही लोग आते हैं। यहाँ बाहरी व्यक्ति कारण पर गली में आते हैं, सब लोग जो है सोसाइटी के आते हैं और सब अपना मतलब अपना काम करते हैं। यहाँ हमारे सोसाइटी व्यवस्था जो मंदिर कमेटी है सारी व्यवस्था रखे हुए, गार्ड रहता है, गार्ड हमारा जो है आपका पाठ पाठ करके आदमी को चेकिंग करते हैं, पूजा करके निकलते हैं, फिर अपना मंदिर और लोग जा दर्शन करते हैं, घूमने खुले आते हैं। हमारे जितने भी जगह बना हुआ है कॉलम भी दिखाते हैं, जो घेरा बना हुआ है कोरोना का इसका दिखा दिया है। सैनिटाइजर और बाकी सब चीज़ों का प्रसाद वगैरह सैनिटाइजर लगा हुआ है, सैनिटाइजर तो हमेशा ही रहता है। जब से कोरोना का ये हुआ तब से सैनिटाइजर का मंदिर हमेशा यहाँ रहता है। गेट को जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसी अनुकूल प्रवेश करते हैं आदमी को। गेट बढ़ने से हम लोग को प्रवेश द्वार में एक गेट वहाँ है, दूसरा गेट यहाँ है, तीसरा दरबार में है, तीन गेट को हम लोग थोड़ा महामारी लोग संदेश यही है कि हम लोग जितना भी अपना मास्क लगा के लोग आए अपना ये करें और उसी अनुकूल हम लोग ये करेंगे। 2 साल से कोविड चलते मैंने पूरा महामारी जो था चलते लोग भक्त लोग आना मना था, लोग मेरे बहुत खुश हैं कि 2 साल मौका मिला है लोग इस मंदिर आने का और लोगों की भीड़ होती है, हजार हजार भीड़ होती है, लेकिन लाइन लगता है वहाँ से वहाँ पूरा तक। और मंदिर कमेटी द्वारा भी व्यवस्था किया गया है कि सब गोलाकार जहाँ तक बनाया गया है पूरा इंतजाम है और लोगों का सैनिटाइज की व्यवस्था यहाँ किया गया है और लोग लाइन से आएंगे और डिस्टेंस में रहते हुए पालन करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते हुए हाँ किया जाएगा। जैसे भीड़ का अंदाजा लगा जा रहा, काफी मात्रा में भीड़ हाँ लगभग 2000 की भीड़ होगी, 2000 की भीड़ होगी हाँ। और लोग सदा से इस मंदिर में आते हैं, मंदिर बहुत लेकिन सदा से लोग आते हैं और बहुत भीड़ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग रांची।